गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 22,000 US डॉलर के लूट के संबंध में सर्वेश यादव नाम के व्यक्ति ने सहजनवा थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। SP नॉर्थ ने कहा, नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद स्थिति होगी स्पष्ट, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। प्रदेश के सभी मदरसों में प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान गाना हुआ अनिवार्य। प्रदेश सरकार के निर्देश पर मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों के खुलने व बंद होने के समय में भी किया बदलाव। अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगी क्लासेस। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। नीति व नियत की स्पष्टता से बढ़ रहा है औद्योगिक विकास का ग्राफ। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल के 6 माह में गीडा ने किया 88.5 एकड़ औद्योगिक भूमि का आवंटन। 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का हुआ प्लेटफॉर्म तैयार। 5,200 लोगों को मिलेगा रोजगार। रेडीमेड गारमेंट के उद्योगों के लिए भी 40 भूखंड आवंटित। 35 एकड़ क्षेत्रफल वाले 64 औद्योगिक भूखंडों के लिए भी मांगे गए हैं आवेदन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लापता 2 नाबालिग बच्चों को कुलेरिया थाने की पुलिस ने किया सकुशल बरामद। पिता और सौतेली मां ने मिलकर दोनों बच्चों को किया था अपहरण, भेजे गए जेल। SP नॉर्थ ने दी जानकारी। जनपद में नवरात्र एवं दुर्गा पूजा के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से है मुस्तैद। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जिले में लगभग 3,400 दुर्गा प्रतिमाओं का हो रहा है स्थापना। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार की जा रही है पीस कमेटी की बैठकें। सभी पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए गोरखपुर पुलिस है कटिबद्ध। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन मतदाता बनने के लिए स्नातक व्यक्ति फार्म 18 भरकर तहसील ब्लॉक में कर सकते हैं जमा। फार्म को तहसील ब्लॉक SDM के ऑफिस से कर सकते हैं प्राप्त। SP ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट के चल रहे वाहन चालकों का किया गया चालान। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, लोगों की जान की सुरक्षा और शहर को दुर्घटना मुक्त बनाना है ट्रैफिक पुलिस का मुख्य उद्देश्य। हत्या के प्रयास के आरोप में अभियुक्त आयान शेख उर्फ राहुल राजपूत को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त अवैध तलवार किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सदर सांसद रवि किशन ने 175 छात्र व छात्राओं को टैबलेट का किया वितरण। कहा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में टैबलेट की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान के क्रम में भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड टीकाकरण केंद्र के स्टॉल का MLC एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, PM मोदी के कारण पूरे देश की जनता को लगाए जा चुके हैं 200 करोड़ से अधिक कोविड की वैक्सीन। व्यापारी बंधुओं के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में की बैठक। व्यापारी बंधुओं के कार्यों में लापरवाही पर जताई नाराजगी। संबंधित विभाग के अधिकारी का 1 दिन का वेतन रोकने का दिया निर्देश। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के अच्छे कार्य पर उनको शाबाशी देनी तथा उनके मोटिवेशन के लिए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। कहा, जिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने अच्छा किया है कार्य उनका किया गया है उत्साहवर्धन। और गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र आराधना के चतुर्थ दिवस मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने की जगत जननी माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप में माँ कुष्मांडा देवी की पूजा आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद वितरित किया गया प्रसाद। अब खबरें विस्तार से। सहजनवा थाना क्षेत्र में सर्वेश यादव नाम के व्यक्ति ने 22,000 US डॉलर लूट के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 27 सितंबर को सर्वेश यादव उर्फ फोनछाई यादव पुत्र स्वर्गीय रामनाथ यादव निवासी ग्राम मरवटिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर ने सहजनवा थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनका
22,000 US डॉलर, एक सोने की चेन और राडो घड़ी को पवन त्रिपाठी, दूसरा प्रशांत धर दुबे, तीसरा पीयूष धर दुबे, चौथा प्रशांत धर दुबे ने लूट लिया, जिसके आधार पर सहजनवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना में प्रकाश में आया कि वादी 26 सितंबर को बैंकॉक से चलकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। वहां पर उसे उसके पूर्व परिचित नवीन दुबे, जो बैंकॉक में ही रहते हैं, ने यह कहते हुए कि मेरा एक आदमी आपको $42,000 देगा, वह आप स्वयं या किसी के माध्यम से मेरे पास भिजवा दो। इस पर वादी मुकदमा सर्वेश ने बताया कि मैं स्वयं ही अगली फ्लाइट से दिल्ली से बैंकॉक आ रहा हूं। इस पर नवीन दुबे ने सचिदानंद दुबे, जो दिल्ली में रहते हैं, उनके माध्यम से वादी मुकदमा को $42,000 दिलाया। डॉलर पाने के बाद वादी मुकदमा अपनी एक परिचित महिला, जो बैंकॉक जा रही थी, के माध्यम से $20,000 नवीन दुबे के पास भिजवा दिया। उस महिला ने नवीन दुबे को सिर्फ $10,000 दिए और कहा कि $10,000 मेरा सर्वेश यादव उधार लिए थे, वह बराबर हो गया। इसी बीच सर्वेश यादव स्वयं अपना मोबाइल ऑफ करके बैंकॉक न जाकर दिल्ली से बस के जरिए गोरखपुर आने लगा। इसकी जानकारी नवीन दुबे को अपने सूत्रों के माध्यम से पता चला, तो उन्होंने गोरखपुर के रहने वाले अपने परिचितों को बताया कि सर्वेश यादव मेरा पैसा लेकर बैंकॉक आने वाला था, परंतु वह मेरा पैसा लेकर गोरखपुर जा रहा है, उससे मिलकर उससे मेरा पैसा ले लो। जब वादी मुकदमा सहजनवा पहुंचने पर बस से उतरा, तो नवीन दुबे के परिचित पवन त्रिपाठी, दूसरा प्रशांत धर दुबे, तीसरा पीयूष धर दुबे, चौथा प्रशांत धर दुबे उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर गोरखपुर ले गए और वादी मुकदमा के पास मौजूद $22,000 ले लिया। शेष $10,000 के बदले में उसने अपनी चेन और राडो घड़ी दे दी और शेष पैसा देने के लिए एक महीने का वक्त मांगा। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अब तक की विवेचना से यह प्रकाश में आया है कि संपूर्ण प्रकरण पैसा डॉलर के लेन देन का प्रतीत हो रहा है तथा नामजद अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। उनसे पूछताछ के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा इस मामले में पैसे डॉलर का जो भी आदान प्रदान हुआ है, उसके भी स्रोतों की जानकारी की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 27/9/2022 को सर्वेश यादव उर्फ खोनछाई निवासी बढ़ालगंज ने थाना सजनवा पर यह सूचना दिया कि पवन त्रिपाठी, प्रांशु दुबे, पीयूष दुबे व प्रशांत दुबे ने उनसे $22,000, एक सोने की चेन, एक राडो घड़ी और कुछ रुपए छीन लिए हैं। उनकी सूचना पर थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की। अब तक की विवेचना से ये पाया गया कि वादी मुकदमा दिनांक 26/9/2022 को बैंकॉक से चलकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। वहाँ उसे उसके पूर्व परिचित नवीन दुबे, जो बैंकॉक में ही रहते हैं, ने यह कहते हुए कि मेरा एक आदमी आपको $22,000 देगा, वो आप स्वयं या किसी के माध्यम से मेरे पास भिजवा। इस पर वादी मुकदमा सर्वेश ने बताया कि मैं स्वयं ही अगली फ्लाइट से दिल्ली से बैंकॉक आ रहा हूँ। इस पर नवीन दुबे ने सच्चिदानंद दुबे, जो दिल्ली में रहते हैं, उनके माध्यम से वादी मुकदमा को $22,000 दिलवाया। डॉलर पाने के बाद वादी मुकदमा अपनी एक परिचित महिला, जो बैंकॉक जा रही थी, उसके माध्यम से $20,000 नवीन दुबे के पास भिजवाया, जबकि उस महिला ने नवीन दुबे को मात्र $10,000 दिए और कहा कि $10,000 मेरा सर्वेश उधार लिए थे, इसलिए मैंने उसको रख लिया। सर्वेश दुबे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके बैंकॉक वापसी फ्लाइट से न जाकर और दिल्ली से बस के जरिए गोरखपुर आ गया। इसकी जानकारी जब नवीन दुबे को ही, तो उन्होंने अपने सूत्रों के माध्यम से अपने परिचितों को सहजनवा पहुंचकर इनसे पैसे लेने की बात कही। इस पर उक्त नामित अभियुक्त अपने पैसा, बकाया पैसा लेने के लिए इनके पास गए। इन्होंने पैसा देने से मना किया, तो उन्होंने गाड़ी में बैठा के और गोरखपुर DDA कॉम्प्लेक्स ले जाकर और वहाँ इनसे इनका पैसा और सोने की चेन और राडो घड़ी छीन ली। इनका ये कहना है कि सोने की चेन व राडो घड़ी, चूँकि इनका $10,000 बकाया था, इस संबंध में उन्होंने लिए है और इन्होंने कहा है कि जो जब ये पैसा अदा कर देंगे तो इनका सामान वापस कर दिया जाएगा।
अभी तक की विवेचना से ये संपूर्ण प्रकरण पैसे के लेन देन का प्रतीत हो रहा है। प्रदेश सरकार ने मदरसों के खुलने व बंद होने के समय में बदलाव किया है, जिसके संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मदरसों के समय में परिवर्तन किया है। मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा एक नया निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश के सभी मदरसे सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक संचालित होंगे। सभी मदरसों में सुबह 9:20 पर प्रार्थना व राष्ट्रगान किया जाएगा तथा 12 बजे से 12:30 बजे तक लंच होगा। सभी मदरसों में प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने कहा, मदरसों के जो संचालन का समयावधि है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा इस संबंध में एक नया निर्देश जारी किया गया है। मदरसे की टाइमिंग जो कक्षा संचालन की है प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगा, जिसमें प्रातः 9 से 9:20 तक पहला 20 मिनट का जो सत्र है उसमें प्रार्थना और राष्ट्रगान होगा तथा 12 से 12:30 तक मध्यावकाश यानी भोजनावकाश रहेगा। और इस प्रकार से मदरसे के पूरी कक्षाएं 9 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच में संचालित किए जाएंगे। हाँ, प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान को भी अनिवार्य बनाया गया है और प्रत्येक दिन प्रार्थना के साथ ये राष्ट्रगान भी 9 बजे से 9:20 तक कराया जाना है। नीति और इसके क्रियान्वयन की नीयत साफ हो तो परिणाम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा क्षेत्र में बिच रहे उद्योगों के संजाल के रूप में दिखते हैं। दशकों तक उद्योगों की बाट जोहता रहा गीडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उद्योग मित्रवत नीतियों से 2017 के बाद औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों का पसंदीदा क्षेत्र बन चुका है। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल के 6 माह का आकलन करें तो गीडा ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 88.5 एकड़ करीब 3,58,000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन कर 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। इस भारी भरकम निवेश से करीब 5,200 लोगों को रोजगार मिलने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। बीते 6 माह में गीडा ने जिन निवेशकों को भूमि का आवंटन किया है उनमें सबसे प्रमुख पैकेज्ड पेय पदार्थ बनाने वाली विश्व प्रसिद्ध कंपनी पेप्सिको की बॉटलिंग यूनिट लगाने वाली फ्रेंचाइजी मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। इस कंपनी को गीडा की तरफ से सेक्टर 27 में 1,77,310 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया गया है। पेप्सिको की फ्रेंचाइजी की तरफ से बॉटलिंग प्लांट के लिए 1,071.28 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इस प्लांट में करीब 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह गीडा के सेक्टर 26 में मेसर्स कियान डिस्टिलरीज को 79,441 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया गया है। कियान की तरफ से 702 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और इसकी इकाई में 1,000 लोग रोजगारत होंगे। इसी सेक्टर में मेसर्स सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को 118.3 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 20,067.37 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया गया है। सीपी मिल्क की इकाई में भी 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गीडा सेक्टर 26 में ही मेसर्स तत्वा प्लास्टिक्स पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड को 22,000.62 वर्ग मीटर तथा मेसर्स क्वार्टर्स ओवल वेयर प्राइवेट लिमिटेड को 20,067.37 व मेसर्स आदित्य मोटर प्राइवेट लिमिटेड को भी 20,067.37 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। इन तीनों उद्योगों में क्रमशः 102.3 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तथा 20 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। इनके जरिए क्रमशः 110, 410 और 400 लोगों को रोजगार मिलना सुनिश्चित होगा। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल बताते हैं कि निवेशकों के अतिरिक्त गीडा की तरफ से रेडीमेड गारमेंट उद्योग के लिए 40 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। इन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल 32,500 वर्ग मीटर है। यही नहीं, उद्योगों के लिए बढ़ती हुई मांग को देखते हुए गीडा ने बुधवार 28 सितंबर को पुनः कुल 35 एकड़ क्षेत्रफल वाले 64 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन हेतु विज्ञापन जारी किया है।
अलग अलग सेक्टर में 510 वर्ग मीटर से लेकर 17,500 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाले अलग अलग इन भूखंडों के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। गीडा की मंशा है कि इसी वर्ष के अंत तक इन भूखंडों का भी आवंटन कर दिया जाए ताकि औद्योगिक विकास की गति तीव्रतम हो सके। तेजी से बदल रहे औद्योगिक परिदृश्य के बीच गीडा की 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में पीएम गति शक्ति से 177 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार की पहल पर सहायता राशि को लेकर भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से मोहर भी लगाई जा चुकी है। गीडा द्वारा गारमेंट पार्क को सम्मिलित करते हुए भीटी रावत औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 26 के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना तैयार की गई है। इसके लिए पीएम गति शक्ति से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 70 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी मिली है। इसी तरह 100 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भगवानपुर नरकटहा के लिए 80 करोड़ रुपए तथा 59.58 करोड़ रुपए के प्लास्टिक पार्क प्रोजेक्ट हेतु 12 करोड़ रुपए की सहायता चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुई है। रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने के लिए बनने जा रहे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़ तथा गीडा में कॉमन इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट CETP के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 करोड़ रुपए को सहायता पीएम गति शक्ति से मिलेगी। गुलेरिया थाने की पुलिस ने BRD मेडिकल कॉलेज से अपहृत 2 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 24 सितंबर को सुबह 9 बजे BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर थाना क्षेत्र गुलेरिया से 2 नाबालिग बच्चे उम्र करीब 7 वर्ष व 6 वर्ष के अचानक गायब होने की सूचना प्राप्त होने के संबंध में गुलेरिया थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रानू गौंड पुत्र सुकट गौंड निवासी रामनगर गजरा धूस थाना रामनगर जिला बेतिया राज्य बिहार, दूसरा खुशबू गौर निवासी रामनगर गजरा धूस थाना रामनगर जिला बेतिया राज्य बिहार के रूप में हुई है। SP नॉर्थ ने बताया कि 29 सितंबर को दोनों नाबालिग अपहृत बच्चों को सकुशल बरामद किया गया था। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि थाना गुलेरिया क्षेत्र के अंतर्गत BRD मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आए वादनी मुकदमा अपने ससुर तथा अपनी माँ तथा अपने 2 बच्चों के साथ अपना इलाज आने के लिए लगभग 12 दिन पहले BRD मेडिकल कॉलेज में आई थी। वादनी मुकदमा के पेट का ऑपरेशन लगभग 4 दिन पहले हुआ था और वह मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 4 में भर्ती थी। वादनी की मां व ससुर दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे थे। दिनांक 24 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे जब वादनी मुकदमा की मां खाना बना रही थी और बच्चे आसपास खेल रहे थे कि अचानक दोनों बच्चे कहीं गायब हो गए। परिजनों द्वारा परिसर में व आसपास दोनों बच्चों की तलाश की गई परंतु नहीं मिले। विवेचना के दौरान वादनी मुकदमा के ससुर ने बताया कि वादनी मुकदमा के पति रानू गौड़ ने दूसरी पत्नी रख लिया है। वह वादनी से बच्चों को लेने के लिए कई बार जबरदस्ती झगड़ा भी कर चुका है, इसलिए दोनों बच्चों को रानू गौड़ व उसकी दूसरी पत्नी ने अपहृत करके कहीं गुप्त स्थान पर ले जाकर रख दिए हैं। बच्चों को सकुशल बरामदगी व अभियुक्तगढ़ की गिरफ्तारी हेतु एक टीम वादी के घर व रानू गौड़ के घर के बाहर बिहार भेजी गई है तथा दूसरी टीम आसपास के क्षेत्रों में तलाश कर रही थी एवं अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलहरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, उपनिरीक्षक शेष कुमार शर्मा, हिमांशी पांडे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 24/9/2022 को थाना क्षेत्र गुलहरिया के BRD मेडिकल कॉलेज में प्रतिमा देवी पत्नी रानू गौड़ जो कि अपना इलाज करा रही थी, उनके 2 बच्चे उम्र 7 वर्ष व 6 वर्ष अचानक गायब हो गए। इस सूचना पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने सर्विलांस और अन्य माध्यमों के सहारे ये जानकारी जुटाई कि उसके पति रानू गौड़ और उसकी दूसरी पत्नी खुशबू गौड़ द्वारा उन बच्चों का अपहरण किया गया है। सर्विलांस की जानकारी से और मुखबिरी से ये स्पष्ट हुआ कि वो उनको लेकर के पश्चिमी चंपारण बिहार गए हुए हैं। वहाँ पुलिस की टीम गई तो पता चला कि वो वहाँ से चल चुके हैं और ट्रेन से कहीं आने जाने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर उनको गोरखपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया।
दोनों नाबालिग बच्चों को बरामद कर लिया गया है और उनको उनकी माँ प्रतिमा देवी को सपोर्ट कर दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद में नवरात्र एवं दुर्गा पूजा के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है। स्थापना के क्षेत्र में पुलिस बल लगातार भ्रमण कर रहे हैं तथा जो प्रतिमाएं पारंपरिक रूप से रखी जाती है उन्ही प्रतिमाओं को रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी प्रतिमा रखने एवं पंडाल सजाने के कारण किसी प्रकार का आवागमन में यातायात बाधित न हो, पूरे क्षेत्रों में रात्रि के समय सभी पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए भ्रमण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान अधिकारी, प्रतिमा आयोजक और अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा भ्रमण किया जाएगा। शांति व्यवस्था बनी रहे तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पीस कमेटी के आयोजकों की मीटिंग की जा रही है कि आने वाले दिनों में जितने भी आयोजन और त्योहार होने हैं वह सकुशल संपन्न हो। उन्होंने कहा कि जनपद में दुर्गा प्रतिमाओं की संख्या 3400 के आसपास पूरे जनपद से वेरीफाई होकर सभी थाना क्षेत्रों में आई है तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रतिमा के सभी आयोजकों को जानकारी दी जा रही है और यह त्योहार सकुशल संपन्न हो पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोवर ने कहा, देखिए नवरात्रि और दुर्गा पूजा का जो त्योहार है वो 26 तारीख से ही उसकी शुरुआत पूरे जनपद में हो गई है। प्रतिदिन दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना सभी थाना क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर हो रही है। स्थापना के समय पर लगातार पुलिस बल उसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, मौके पर मौजूद रह रहा है। सभी प्रतिमाएं जो पारंपरिक रूप से रखी जाती हैं उन्हीं को रखने के लिए अनुमति दी गई है। जिस स्थान पर रखी जा रही हैं उसको भी उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है। केवल पारंपरिक स्थानों पर ही प्रतिमाओं का स्थापना की जाए और इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि प्रतिमा रखने और पंडाल सजाने के कारण किसी प्रकार का आवागमन या यातायात बाधित ना हो, इसका भी ध्यान फोर्स द्वारा रखा जा रहा है। जहाँ जहाँ इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पर आयोजकों और स्थानीय जनता के साथ समन्वय करके उनसे वार्ता करके इस समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में रात्रि के समय पर दुर्गा पंडालों की सुरक्षा के लिए भी भ्रमण किया जा रहा है और आयोजकों द्वारा जिन व्यक्तियों को रात्रि के समय पर सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया है उनको भी लगातार चेक किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ स्थापना होगी वहाँ के लिए और विशेष रूप से जो हमारे विसर्जन जुलूस हैं उनका भ्रमण अधिकारियों द्वारा आयोजकों के साथ और अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पीस कमेटी, आयोजकों की, इवन डीजे संचालकों की भी मीटिंग की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि सब जगह शांति व्यवस्था कायम रहे और सौहार्दपूर्ण माहौल में आने वाले दिनों में जितने भी आयोजन और त्यौहार होने हैं वो सकुशल संपन्न। देखिए दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना लगातार हो रही है, जो संख्या है वो 3400 के आसपास की संख्या पूरे जनपद से वेरीफाई होकर प्रत्येक थाना क्षेत्र में आई है। जो वेरीफाई किए गए स्थान हैं उन्हीं पर ही दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से भी प्रतिदिन स्थापना के स्थानों, आयोजकों के साथ व BPOs के माध्यम से इसकी जानकारी ली जा रही है और ये त्यौहार और आयोजन सकुशल संपन्न हो इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन मतदाता बनने के लिए स्नातक व्यक्ति 1 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। आगामी 1 अक्टूबर से गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन की मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु आवेदन प्राप्त किया जाएगा, जो प्रारूप 18 के तहत आवेदन होगा, जो कि गोरखपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा कार्यालय में भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति फोटो कॉपी कराकर मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकता है। इसलिए जिसने 2019 के पहले अपना स्नातक पूरा कर लिया है वह मतदाता बनने के हकदार हैं। इससे पहले जनपद में 50,000 मतदाता थे, अब जनपद में 1,00,000 से अधिक स्नातक लोग होंगे। इसलिए स्नातक निर्वाचन के लिए प्रारूप 18 भरकर तहसील BDO के पास जमा कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी DO गोरखपुर हूँ। आगामी 1 अक्टूबर से गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन की मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। प्रारूप 18 में ये आवेदन होगा। ये आवेदन हमने गोरखपुर की जो वेबसाइट है उस पर भी अपलोड कर दिया है, हमारे कार्यालयों में भी उपलब्ध है, अन्य लोग भी इसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति 1 नवंबर 2022 के 3 साल पूर्व अर्थात 1 नवंबर 2019 के पूर्व में जिसने अपना स्नातक
पूर्ण कर लिया हो, उसको डिग्री प्राप्त हो गई हो, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूर्ण कर लिया है 1 नवंबर 2019 के पूर्व, वो मतदाता बनने के लिए अर्ह हैं, एलिजिबल हैं। पूर्व में हमारे जनपद में 50,000 मतदाता थे। मेरा अनुमान है कि जनपद में 1,00,000 से अधिक स्नातक लोग होंगे। मुझे जो लोग सुन रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि वे स्नातक निर्वाचन के लिए प्रारूप 18 प्राप्त कर लें, वेबसाइट पर प्राप्त कर लें, व्हाट्सएप पर प्राप्त कर लें और उसको भर के जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी जमा करेंगे उतना अच्छा होगा। जमा करने के लिए पूरे जनपद में सभी तहसीलों में सभी ब्लॉक में ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। आप BDO साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास, SDM साहब के पास, जिसके पास चाहें उनके पास भर करके जमा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में यातायात तिराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा बिना हेलमेट के चल रहे वाहन चालकों का चालान किया गया तथा उचित कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जनपद के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तथा उनकी जान बचाने के लिए यातायात पुलिस नियमित रूप से कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है लोगों की जान की सुरक्षा करना और शहर को दुर्घटना मुक्त बनाना। इसी संबंध में यातायात तिराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें बिना हेलमेट और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चलने वाले वाहन चालकों का चालान किया गया, जिसमें कुल 42 चालान किए गए। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें ताकि अपना जीवन सुरक्षित कर सकें और जो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चल रहे हैं वह जल्द से जल्द अपना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, लोगों के जान को सुरक्षित रखने के लिए और उनका सफ़र सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस गोरखपुर नियमित रूप से कार्रवाई करती है और आगे भी ये कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। इस कार्रवाई का मेन उद्देश्य है लोगों की जान की सुरक्षा करना और शहर गोरखपुर के लिए दुर्घटना मुक्त बनाना, ताकि किसी के परिवार से किसी की कोई जनहानि ना हो, कोई दुर्घटना ना हो।
इसी कड़ी में हम लोग नियमित रूप से चेकिंग करते रहते हैं। और कोई सवाल सर? बहुत से लोग बहाने बनाने हेलमेट को लेकर, देखिए लोग जो हेलमेट को लेके बहाने बनाते हैं तो वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बहाना नहीं बनाना चाहिए और किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, या हेलमेट आपने लगा लिया पर ठीक से बांधा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग हेलमेट तो बांध लेते हैं परंतु उसके बाद अपनी नंबर प्लेट ठीक नहीं करते हैं, उसके पीछे का एक अंक उन्होंने जानबूझ के गायब कर रखा है कि इससे पुलिस हमको रोकेगी नहीं, हम चालान से बच जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे, कहीं सिग्नल ब्रेक कर देंगे। तो ऐसे लोगों की गाड़ियों को रोक रोक के उनकी गाड़ियों के पेपर चेक किए जा रहे हैं और उनका सही नंबर पूछा जा रहा है, और उसके बाद अगर कोई गलती पाई जाती है उनके कागजों में नंबरों में तो उनके खिलाफ़ विधिक कार्रवाई MB एक्ट के अंतर्गत की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा सभी से ये अपील है कि अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगाकर चलें और हेलमेट धारण करके चलें ताकि खुद सुरक्षित रहें और समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने का एक संदेश वो स्वयं दें। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। $22,000 के लूट के संबंध में सर्वेश यादव नाम के व्यक्ति ने सहजनवा थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। SP नॉर्थ ने कहा नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद स्थिति होगी स्पष्ट, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। प्रदेश के सभी मदरसों में प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान गाना हुआ अनिवार्य। प्रदेश सरकार के निर्देश पर मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों के खुलने व बंद होने के समय में भी किया बदलाव। अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगी क्लासेस। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। नीति व नियत की स्पष्टता से बढ़ रहा है औद्योगिक विकास का ग्राफ। CM योगी के दूसरे कार्यकाल के 6 माह में गीडा ने किया 88.5 एकड़ औद्योगिक भूमि का आवंटन। 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का हुआ प्लेटफॉर्म तैयार। 5,200 लोगों को मिलेगा रोजगार। रेडीमेड गारमेंट के उद्योगों के लिए भी 40 भूखंड आवंटित। 35 एकड़ क्षेत्रफल वाले 64 औद्योगिक भूखंडों के लिए भी मांगे गए हैं आवेदन। BRD मेडिकल कॉलेज से लापता 2 नाबालिग बच्चों को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया सकुशल बरामद। पिता और सौतेली मां ने मिलकर दोनों बच्चों को किया था अपहरण, भेजे गए जेल। SP नॉर्थ ने दी जानकारी। जनपद में नवरात्र एवं दुर्गा पूजा के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से है मुस्तैद। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा जिले में लगभग 3,400 दुर्गा प्रतिमाओं का हो रहा है स्थापना। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार की जा रही है पीस कमेटी की बैठकें। सभी पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए गोरखपुर पुलिस है कटिबद्ध। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन मतदाता बनने के लिए स्नातक व्यक्ति फार्म 18 भरकर तहसील ब्लॉक में कर सकते हैं जमा। फार्म को तहसील ब्लॉक SDM के ऑफिस से कर सकते हैं प्राप्त। SP ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट के चल रहे वाहन चालकों का किया गया चालान। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा लोगों की जान की सुरक्षा और शहर को दुर्घटना मुक्त बनाना है ट्रैफिक पुलिस का मुख्य उद्देश्य। हत्या के प्रयास के आरोप में अभियुक्त आयान शेख उर्फ राहुल राजपूत को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त अवैध तलवार किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सदर सांसद रवि किशन ने 175 छात्र व छात्राओं को टैबलेट का किया वितरण। कहा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में टैबलेट की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान के क्रम में भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड टीकाकरण केंद्र के स्टॉल का MLC एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा PM मोदी के कारण पूरे देश की जनता को लगाए जा चुके हैं 200 करोड़ से अधिक कोविड की वैक्सीन।
व्यापारी बंधुओं के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में की बैठक। व्यापारी बंधुओं के कार्यों में लापरवाही पर जताई नाराजगी, संबंधित विभाग के अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकने का दिया निर्देश। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के अच्छे कार्य पर उनको शाबाशी देनी तथा उनके मोटिवेशन के लिए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। कहा, जिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने अच्छा किया है कार्य, उनका किया गया है उत्साहवर्धन। और गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र आराधना के चतुर्थ दिवस मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने की जगत जननी माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप में माँ कुष्मांडा देवी की पूजा आरती एवं छुआ प्रार्थना के बाद वितरित किया गया प्रसाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को बिलंदपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आयान शेख उर्फ राहुल राजपूत पुत्र इसराज अली निवासी बिलंदपुर बांसगांव कॉलोनी थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त नाजायज तलवार बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादी अनिल द्विवेदी पुत्र स्वर्गीय राम सागर त्रिवेदी निवासी बिलंदपुर बांसगांव कॉलोनी थाना कैंट जनपद गोरखपुर ने 23 अप्रैल को आयान शेख उर्फ राहुल राजपूत, दूसरा समीर शेख पुत्र इसराज अली निवासी बिलंदपुर बांसगांव कॉलोनी थाना कैंट गोरखपुर और उनके दोस्त वादी के लड़के को CAS गर्ल्स हॉस्टल के पास घेर कर रॉड तलवार से मारकर घायल करने के संबंध में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, पैडलेगंज चौकी प्रभारी शंभू प्रसाद साहनी, रोहित कमलेश यादव शामिल रहे। सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 175 छात्र छात्राओं को एनेक्सी भवन के सभागार में टैबलेट का वितरण किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री मोदी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लॉन्च की, जिससे छात्रों को अब दूसरे राज्य में पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। उन छात्रों की पढ़ाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा टैबलेट दिया जा रहा है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी क्रम में गोरखपुर के 175 छात्र व छात्राओं को टैबलेट वितरण किया गया है, इससे छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रचार प्रोफेसर OP सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे सहित अभ्युदय योजना के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, कि माननीय सांसद जी को एकल पुष्प दे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उठे माननीय सांसद श्री रविशंकर शुक्ला जी छात्र हैं, वो किसी कारण निजी संस्थानों में कोचिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये कोचिंग अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई। इसके लिए प्रारंभ में हमारे मंडल मुख्यालयों पर शुरू किया गया, बाद में इसे समस्त जिला मुख्यालयों में व्यवस्था की गई। आज गोरखपुर जनपद में दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज में अभ्युदय कोचिंग का संचालन चल रहा है। आप लोग भी प्रथम चरण, द्वितीय चरण जो उपाम द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं कराई गई थी, उसके माध्यम से वहां क्लास लिए हैं और इन्हीं क्लास जो आप लोग लिए हैं उसके आधार पर और जो उपाम द्वारा मेरिट बनाई गई उसके आधार पर आप लोगों को टेबलेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर श्री संजय मीणा जी, डॉक्टर OP सिंह जी, प्राचार्य दिग्विजय नाथ PG कॉलेज, उपनिदेशक समाज कल्याण, जिला समाज कल्याण अधिकारी मंचासी, सभी अधिकारी का और इस देश के फ्यूचर आप बच्चों,
उत्तर प्रदेश के भविष्य, गोरखपुर मंडल के भविष्य, भारत के आप लोग धरोहर। ये बात यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बार कही हर मंच पर, और उनकी मंशा यही है कि हमारे ग्रामीण बच्चों को, छोटे शहर के बच्चों को, छोटे छोटे जिले के बच्चों को कैसे हम लोग देश की गति के साथ, इस नए भारत के साथ जोड़ें। मुख्यमंत्री अयोध्या योजना पूज्य महाराज जी की ये योजना है, और ये योजना में आज टैबलेट वितरण कार्यक्रम हो रहा है। महाराज जी के बारे में आप लोगों ने अपने माता पिता से भी सुना होगा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के बारे में आप लोग उनको पढ़ते भी हैं, डिजिटल पे भी देखते हैं, अखबारों में भी देखते हैं, न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए नए भारत के साथ नया उत्तर प्रदेश की कल्पना उनके मन में एक रचना है, उसमें हमारे देश के विद्यार्थी, हमारे प्रदेश के बच्चे, हमारे प्रदेश के स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट मुकाम रखते हैं। महाराज जी की जो पीठ है गोरक्षनाथ मंदिर, ये हमेशा एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाया है। एजुकेशन सेक्टर में महाराज जी बहुत बिलीव करते हैं, और मुख्यमंत्री जी का यही है कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, बिकॉज जहाँ पर भी एजुकेशन होता है, जिस भी देश में, प्रदेश में, जिले में, गांव में, देहात में, वहाँ पर एक नया, एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्रिएटिविटी रहती है हर फील्ड में। तो ये आज जो आप लोगों ने, बच्चों आप लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी होनहार बच्चे हैं, जिन लोगों ने इसको ऑनलाइन भरा, जैसे कि अभी भी हम आप लोगों की जानकारी ले रहे थे कि आप लोगों को ये टैबलेट क्यों दिया जा रहा है और आप लोग का चयन कैसे हुआ, तो आप लोग उसमें काफ़ी अव्वल आए और उसमें से शॉर्ट लिस्टेड हुए। तो टुडे वी आर गिविंग, कितने लोगों को आज दे रहे हैं हम लोग, 175 बच्चों को आज टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट की कीमत महंगी है, हम लोगों के समय ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी जब मैं पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। लेकिन आज आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, या यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, पूज्य महाराज जी की सोच, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हमारे बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, मिडिल क्लास बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए ऐसा सोच रही है कि देश भी डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़े हैं। ये टैबलेट का बहुत उपयोग है, इस टैबलेट के साथ आप लोग कनेक्ट रहेंगे वर्ल्ड के साथ, कनेक्ट रहेंगे आप लोग स्मार्ट स्टडीज़ के साथ, ऑनलाइन स्टडीज़ के साथ, अपने पर्सनल ज्ञान को भी आप लोग काफ़ी बढ़ाएंगे। तो ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं या टैबलेट्स होते हैं, ये बहुत अच्छे उपाय में इसलिए आते हैं कि आप अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, वहाँ की राजनीति में क्या हो रहा है, वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, या एनीथिंग, अगर आपको पर्सनल एनी प्रॉब्लम हेल्थ की है तो आप गूगल कर सकते हैं। सब कुछ आपको स्मार्टफोन से, एजुकेशन से लेके पर्सनल लाइफ से लेके कंट्री, पॉलिटिक्स, राजनीति, ज्ञान, सनातन विचारधारा, जो कुछ जानना है आपको उस टैबलेट के द्वारा मिलेगी। तो ये टैबलेट का उपयोग बहुत पॉजिटिव अच्छा नाम देख लीजिएगा, नहीं तो बदल लीजिए। साक्षी पांडे, क्या नाम है? अच्छा, इसका इस्तेमाल करिएगा, आभा यार, बहुत अच्छा अच्छा इस्तेमाल करिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है? पूजा गुप्ता। अरे वाह, स्माइल करके जाइए आप। पूजा मिश्रा, सविता चक्रवर्ती, शालिनी सिंह। जब गुप्ता जी इसका इस्तेमाल करिएगा, जितना हम बोले आप लोग, आप लोग अच्छा प्रतिभा जी इसका इस्तेमाल करिएगा, और बहुत वंदना जी, अच्छा सरिता जी वहाँ देखिए, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। अच्छा गुप्ता जी, अच्छा सवाल किए थे। कांग्रेचुलेशन अमिषा जी,
मदन मोहन प्रजापति, अंकित विश्वकर्मा। बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है? अच्छे से अपडेट। सब मेरी फिल्म देख रहे हैं। पढ़ना भी है। किसी को टैबलेट मिला है? अभी टैबलेट थोड़ा ऊपर दिखाइए। जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसी के पद चिन्हों पर पूज्य महाराज जी चल रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय ये योजना के दौरान जो टैबलेट वितरण है ये बहुत अच्छा हमारे बच्चों को अपग्रेड करेगा। जैसे एप्पल फ़ोन है अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, तो बच्चों के ब्रेन को भी अपग्रेड करने के लिए बहुत ही महंगा टैबलेट इन्होंने दिया। आज 175 बांटा है हम लोगों ने। ऐसे ही बच्चे ऑनलाइन इन्होंने एग्ज़ाम्स दिया था और ये लोगों ने बहुत अच्छा किया था। ऐसे बहुत सारे जैसे पिछली बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोग 10 लाख टैबलेट इस मंडल में 10 लाख फ़ोन स्मार्टफोन बांटे थे, अब ये टैबलेट बांट रहे हैं। तो ये मुझे ये शुरुआत बहुत अच्छी लगी। पूज्य महाराज जी ने एकाना स्टूडियो में इसकी शुरुआत की थी, आज गोरखपुर में 175 टैबलेट हम लोगों ने बांटे। तो बच्चों में बड़ा उत्साह लगा, बच्चे इसको इस टैबलेट का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई को और अपने ब्रेन को और अपनी दूरदृष्टि को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ये मुझे मेरी पूरी उम्मीद है उनसे। कितना कारगर साबित हो रही है बच्चों की पढ़ाई? बच्चों के लिए देखिए ऑनलाइन पूरी दुनिया आजकल फ़ोन पे ही पूरी दुनिया जुड़ी है। आप लोगों को कोई भी जानकारी लेना आपको गूगल करना, तो ये अपने आप में एक आप किसी वाचनालय में जाते हो, आपके हाथ में अगर स्मार्टफोन है उसी को अगर इस्तेमाल आप सही करते हो तो आप एक हाथ में लाइब्रेरी लेके घूम रहे हो, दुनिया की लाइब्रेरी, हर भाषा की, हर दिशा की, हर कन्फ्यूजन की एक लाइब्रेरी है। तो आप अपने एजुकेशन में अपने आप को बहुत वर्ल्ड के अच्छे किसी भी बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाओगे। हमारे बच्चे आज IIT में पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, नंबर वन हैं, साइंस में हम लोग आगे हैं। तो मुझे लगता है हमारे गोरखपुर के बच्चे बहुत आगे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान के क्रम में भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अस्पताल के MRI सेंटर पर मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने फीता काटकर कोविड टीकाकरण केंद्र पर स्टॉल का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मना रही है। पूरे दुनिया के अंदर बड़े बड़े हेल्थ के मामले जो हर प्रकार से संपन्न थे, वैश्विक महामारी के समय उन देशों ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों व डॉक्टरों ने 8 से 9 महीने के अंदर 2-2 टीका वैक्सीन का उपलब्ध कराने का काम किया। पूरे देश की जनता उनके इस निर्णय का स्वागत कर रही है। आज 200 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि सबको बेहतर सुविधाएं मिले। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सिद्धांत घोष, मनोज अग्रहरी, गौरव तिवारी, अशोक गुप्ता, शिवम पांडे, आनंद अग्रहरी, अजय मणि त्रिपाठी, छोटेलाल पासवान, अजय सिंह, कमलेश आजाद सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं जिला अस्पताल के SIC एवं स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, और कोई सर Thank you.
17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर के पूज्य बापू के जन्मदिन तक एक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यक्रम कर रही है और पूरे देश भर में ये अभियान रोज़ कोई न कोई अभियान चलाया जा रहा है। आज 29 तारीख को पूरे देश भर में हर चिकित्सा केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी कोविड टीकाकरण केंद्र पर हमारे सभी जनप्रतिनिधि हमारे प्रमुख लोग वहाँ जाएँ और जो अभियान चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें जागरूकता करें और उस अभियान को आगे बढ़ाएं। उसके दृष्टि से मैं गोरखपुर महानगर के अंतर्गत या सदर हॉस्पिटल में यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे गोरखपुर महानगर की इकाई ने 26 केंद्रों पर इस प्रकार की व्यवस्था की है और सब जगह कोई न कोई है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड की वैश्विक महामारी में पूरे दुनिया के अंदर जो वैश्विक महामारी थी बड़े बड़े ऐसे जो हेल्थ के मामले में हर प्रकार से संपन्न थे उन देशों ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ कई सैकड़ों वर्षों में बहुत सारी बीमारियाँ आईं लेकिन उसके वैक्सीन नहीं बन पाते थे, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष लग जाते थे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों ने 8-9 महीने के अंदर दो दो टीका वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया और आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। पूरे देश की जनता उनके इस निर्णय का स्वागत कर रही है। आज 200 करोड़ से अधिक डोजेज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं और पूरे देश की जनता जो सुरक्षित है इन दो वैक्सीनों के कारण आज लगभग सब लोगों ने डबल डोज के वैक्सीन ले लिए हैं और प्रोटेक्शन डोज यहाँ पर लग रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। उसी के अंतर्गत हम लोग भी यहाँ सदर हॉस्पिटल में यहाँ उपस्थित हुए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हो रही है और मैं आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 33 मेडिकल कॉलेज चालू हो चुके हैं और हर जिला केंद्रों पर हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था और जगह जगह से 2 एम्स जगह जगह पर मेडिकल जितनी सुविधाएं हो सकती हैं। आज हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ATM हेल्थ की व्यवस्था कर रहे हैं और जो भी हमारे जिला चिकित्सालय और CSC PSC बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं, जितनी व्यवस्था उसके अंतर्गत बहुत अच्छे है। गोरखपुर सदर हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। यहाँ डॉक्टरों से बात हुई है, कुछ थोड़ी बहुत जो कमियाँ हैं निश्चित रूप से उन संसाधनों को भी हम सब पूरा करेंगे। ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम लोग भी जितना हो सकता है उसको पूरा करेंगे ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें। हर जगह हर CSC PSC पर हर स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे पार्टी का कोई ना कोई जनप्रतिनिधि जा करके मेडिकल के क्षेत्र में जो डॉक्टर्स हैं पैरामेडिकल्स हैं उनके सहयोग में काम कर रहा है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने व्यापारी बंधुओं के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि व्यापारियों की समस्या को 100% निस्तारण किया जाए तथा दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन कर अनुपालन आख्या नियत समय से उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। व्यापारियों को नियमानुसार सेवाएं प्रदत्त कराई जाए जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हर विभाग व्यापार बंधु के लिए स्थायी अधिकारी करेंगे जो स्थायी रूप से बैठक में प्रतिभाग करेंगे और समस्या के निराकरण के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें व्यापारी द्वारा बताया गया कि बजरंग मिल चोरैया गोला नशीराबाद से लेकर लालडिगी क्षेत्र के बगल से पानी टंकी के बीच कॉलोनी की क्षतिग्रस्त सड़क नाली आदि अभी तक ठीक नहीं की गई है जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। जिलाधिकारी ने कार्य संतोषजनक ना पाए जाने पर तथा कार्य की प्रगति धीमी होने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए नगर निगम के संबंधित अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के साथ ही उनका एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण प्रमुख
प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। महानगर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएं ताकि जनमानस को आवागमन में असुविधा ना हो सके। महानगर के जर्जर विद्युत तारों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करा दें। नालियों की सफाई तथा सड़कों की मरम्मत का कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाए और मंडी में अवस्थापना सुविधाओं को सुव्यवस्थित की जाए ताकि जन सामान्य को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि महानगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु अपने सामान दुकान के बाहर ना लगाएं तथा सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाएं। किसी भी कार्य की सफलता में जन सहयोग आवश्यक है। शहर को सुंदर, स्वच्छ, सुगम एवं व्यवस्थित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों में जन सहयोग अपेक्षित है। इस अवसर पर नवीन महवा मंडी के सचिव राजित राम वर्मा, TSI मनोज कुमार राय, व्यापारी जवाहरलाल कसौदन, संजय सिंघानिया, रमेश गुप्ता, प्रकाश नारायण पांडे, राजेश छपाड़िया, दिनेश कुमार पाठक, पुरुषोत्तम अग्रवाल, नम्रता श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। फिर अगली बार कोई और आ जाएंगे, वो कोई नया ख्याल लेके आएंगे। जी सर, यही हो रहा है। पहले आपने जवाब भी एक दो दिन पहले आया हो, तो चले आया होगा, आपको फोन किए होंगे, तो जवाब आके भेजती होंगे। 28 दिन टाइम एक दिन का वेतन काटिए। दूसरा बिंदु देवेंद्र कुमार जी जितनी भी रिपोर्ट आज तक भेज दिए वो सब गलत दिए हैं। नाली का पानी वापस, बारिश में काफी पानी भी लगा, 1 करोड़ से ऊपर का सर नुकसान हो गया। यही देवेंद्र सिंह के चलते इन्होंने से बनाई नहीं है नाली सर। अब ये देखे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने हल्ला किया कि हमारा 1 करोड़ का व्यापारी डूब गया, मर रहा है। तब उन्होंने नगर निगम को पत्र लिखा, तब नगर निगम के लोग गए हैं, देखे हैं, तब कह रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर का इसमें निर्माण कार्य होना है। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में सभी TSI और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बैठक की गई, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस कर्मियों को उनके अच्छे कार्य पर शाबाशी देने के लिए तथा उनके मोटिवेशन के लिए यह बैठक की गई है। जिन पुलिस कर्मियों ने अच्छा कार्य किया उनका उत्साहवर्धन किया गया और सभी के कार्यों के विषय में समझाया गया और अपने कार्यों को सही ढंग से करें, यदि कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो तुरंत SP ट्रैफिक के पास सूचना दें। बैठक के दौरान TSI मनोज कुमार राय, अजीत कुमार पांडे सहित अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, यातायात पुलिस कर्मियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए शाबाशी देने के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए और उनके मासिक कार्यों की समीक्षा के लिए नियमित रूप से हम मीटिंग करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज यातायात कर्मियों की मीटिंग की गई और जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया उनके लिए उत्साहवर्धन किया गया, जिनके कार्य एवरेज स्तर का है उनके लिए समझाया गया, बताया गया कि कार्य को और अच्छा करें और कोई दिक्कत, कोई अड़चन काम करने में आ रही है तो निसंकोच वो मुझसे संपर्क करें। कोई समस्या हो तो उनकी हर प्रकार की समस्या में कर्मचारियों को मनोबल ऊँचा करने के लिए उनका सहयोग दिया जाएगा। थैंक यू। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन गुरुवार प्रातः काल जगत जननी माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप में माँ कुष्मांजा देवी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में सुबह 4 बजे से 6 बजे एवं सायंकाल में समस्त अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किए। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ के गर्भगृह में श्रीमद देवी भागवत का पारायण पाठ एवं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी जारी रहा। दोनों पूजन सत्रों में गौरी गणेश की आराधना के साथ सभी देव विग्रहों का 16 भी पूजन किया।
आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। समस्त अनुष्ठान मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी की उपस्थिति में संपन्न हुए। पावन शारदीय नवरात्र के चौथे दिन गोरखनाथ मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की चरण पादुका का पूजन योगी कमलनाथ जी ने किया। आरती में संस्कृत विद्यापीठ के 151 वेद पाठी छात्रों पुरोहितों एवं आचार्यगण के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान पूर्ण किया। इस अवसर पर द्वारिका तिवारी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्र, पुरुषोत्तम चौबे, नित्यानंद तिवारी, शुभम मिश्र, शशांक पांडे, विनय गौतम, अमित सिंह, मोनू आदि उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। $22,000 के लूट के संबंध में सर्वेश यादव नाम के व्यक्ति ने सहजनवा थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। एसपी नॉर्थ ने कहा, नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद स्थिति होगी स्पष्ट, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। प्रदेश के सभी मदरसों में प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान गाना हुआ अनिवार्य। प्रदेश सरकार के निर्देश पर मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों के खुलने व बंद होने के समय में भी किया बदलाव। अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगी क्लासेस, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। नीति व नियत की स्पष्टता से बढ़ रहा है औद्योगिक विकास का ग्राफ। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल के 6 माह में गीडा ने किया 88.5 एकड़ औद्योगिक भूमि का आवंटन। 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का हुआ प्लेटफॉर्म तैयार। 5,200 लोगों को मिलेगा रोजगार। रेडीमेड गारमेंट के उद्योगों के लिए भी 40 भूखंड आवंटित। 35 एकड़ क्षेत्रफल वाले 64 औद्योगिक भूखंडों के लिए भी मांगे गए हैं आवेदन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लापता 2 नाबालिग बच्चों को कुलेरिया थाने की पुलिस ने किया सकुशल बरामद। पिता और सौतेली मां ने मिलकर दोनों बच्चों को किया था अपहरण, भेजे गए जेल। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी।
जनपद में नवरात्र एवं दुर्गा पूजा के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से है मुस्तैद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जिले में लगभग 3400 दुर्गा प्रतिमाओं का हो रहा है स्थापना। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार की जा रही है पीस कमेटी की बैठकें। सभी पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए गोरखपुर पुलिस है कटिबद्ध। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन मतदाता बनने के लिए स्नातक व्यक्ति फॉर्म 18 भरकर तहसील ब्लॉक में कर सकते हैं जमा। फॉर्म को तहसील ब्लॉक एसडीएम के ऑफिस से कर सकते हैं प्राप्त। एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट के चल रहे वाहन चालकों का किया गया चालान। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, लोगों की जान की सुरक्षा और शहर को दुर्घटना मुक्त बनाना है ट्रैफिक पुलिस का मुख्य उद्देश्य। हत्या के प्रयास के आरोप में अभियुक्त आयान शेख उर्फ राहुल राजपूत को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त अवैध तलवार किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सदर सांसद रवि किशन ने 175 छात्र व छात्राओं को टैबलेट का किया वितरण। कहा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में टैबलेट की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान के क्रम में भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड टीकाकरण केंद्र के स्टॉल का एमएलसी एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, पीएम मोदी के कारण पूरे देश की जनता को लगाए जा चुके हैं 200 करोड़ से अधिक कोविड की वैक्सीन। व्यापारी बंधुओं के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में की बैठक। व्यापारी बंधुओं के कार्यों में लापरवाही पर जताई नाराजगी। संबंधित विभाग के अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकने का दिया निर्देश। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के अच्छे कार्य पर उनको शाबाशी देनी तथा उनके मोटिवेशन के लिए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। कहा, जिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने अच्छा किया है कार्य उनका किया गया है उत्साहवर्धन। और गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र आराधना के चतुर्थ दिवस मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने की जगत जननी माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप में माँ कुष्मांडा देवी की पूजा आरती एवं छुआ प्रार्थना के बाद वितरित किया गया प्रसाद। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।